तो सबसे पहले हम उनको डायरेक्ट कम्युनिकेशन सिखाते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन का मतलब है उनको भाषा की एक जो वर्किंग नॉलेज है वो आनी चाहिए भाषा की वर्किंग नॉलेज होने का मतलब है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन होनी चाहिए यानी हम उनको कॉन्सेप्चुअल लेवल में नहीं ले जाते तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी यहाँ एडमिशन लेते हैं अधिकतर वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं लेकिन जब उनका एक स्तर हो जाता है तो हम उनको डायरेक्ट कम्युनिकेशन की बजाय हम उनको कंसेपचुअल कम्युनिकेशन की ओर ले जाते हैं हैं कम्युनिकेशन का मतलब होता है वह कम्युनिकेशन जहाँ पर आप कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं थॉट्स को डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं सिद्धांतों को डिस्कस करते हैं यानी आप जहाँ पे सोचना विचारना शुरू करते हैं तो अगर आप स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में न्यू लर्नर हैं तो आप चिंता ना करें हम आपको बड़ी बड़ी बातों में नहीं उलझाएँगे सबसे पहले हम आपको वो सिखाएंगे जो आपको ज़रूरत है मान लीजिए जैसे आपको ज़रूरत है एंट्रेंस एग्ज़ाम की तो हम आपको कम्पिटिटिव एग्जाम ओरिएंटेड आपको इंग्लिश सिखाएंगे बेसिक्स बताएंगे जैसे जैसे हमें लगेगा कि आपका एक ग्रामेटिकल नॉलेज एक स्तर हो गया जैसे जैसे हमें लगेगा कि आप में ग्रामर कॉन्शियसनेस बढ़ती जा रही है और आपका एक स्तर हो गया है यानी हमने आपको सिर्फ रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग लिसनिंग में ही आपकी सहायता नहीं की है बल्कि पढ़ना लिखना बोलना और सुनने के साथ साथ हमने आप में सोचने की क्षमता को भी विकसित कर लिया है जब हमें यह पक्का हो जाता है तो हम आपको कंसेप्चुअल कम्युनिकेशन की ओर ले जाते हैं उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा मान लीजिए यहाँ पे दो कैटेगरी स्टूडेंट्स की है एक कैटेगरी है बिगनर्स की है दूसरे हैं इंटरमीडिएट हैं और थोड़े से एडवांस्ड हैं तो मैं इनको सबसे पहले एक वोकेबलरी वर्ड समझा रहा हूँ वोकेबलरी वर्ड क्या था वोकेबलरी यानी एक शब्द है एक वोकेबलरी है वो क्या है वो शब्द हैं प्रूरिएट तो सबसे पहले जो बिगनर हैं मैं उनको समझाऊंगा कि प्रूरियट का मतलब होता है सेंशुअल कामुक, कामी हैविंग टू मच इंटरेस्ट इन सेक्शुअल थिंग्स यानी मैं समझाऊंगा कि प्रूरियंट पर्सन का मतलब होता है वह आदमी जिसका सेंशुअल मैटर्स में सेक्शुअल मैटर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है वह प्रूरियंट होता है लेकिन दूसरी ओर जो ये स्टूडेंट्स बैठे हैं इंटरमीडिएट हैं जो एडवांस्ड लर्नर हैं अब मैं क्या करूंगा मैं उनको कंसेपच्चुअल कम्युनिकेशन की ओर ले जाऊंगा। कंसेपच्चुअल कम्युनिकेशन का मतलब है कि मैं अब उनको बताऊंगा कि प्रुरियंट का अर्थ समझाऊंगा, एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा, एग्जाम्पल ही नहीं बल्कि कोई विचार भी उनको जरूर बताऊंगा, जैसे उदाहरण के लिए मैं उनको अध्यात्म की ओर ले जाता हूँ तो प्रूरियंट का मतलब होता है सेंशुअल सेंशुअल का मतलब होता है जो वह व्यक्ति जो कि इंद्रियों में ही उलझा हुआ है यानी सेंशुअल यानी जो सेंसेस से परे जा ही नहीं पा रहा है बुद्धि की ओर नहीं जा रहा है विवेक की ओर नहीं जा रहा है आत्मा की ओर नहीं जा रहा है वह सेंशुअली है उसमें सिर्फ काम वासना ही नहीं है बल्कि वह कामनाओं से भी ग्रसित है और इन काम वासनाओं की वजह से कामनाओं की वजह से उसका ना तो बुद्धि विकास हो पा रहा है और ना ही उसका आध्यात्मिक उत्थान हो पा रहा है वो इसीलिए मान लीजिए जैसे कोई बहुत ज़्यादा सेंशुअल है यानी वह कामी है तो कामी कैसे बना है वह कामी बनता है कमियों से यानी कमी का मतलब होता है संकट यानी उसमें आइडेंटिटी क्राइसिस होता है उसमें पहचान संकट होता है उदाहरण के लिए अगर मैं एक लेखक हूँ और मैं वास्तव में उच्च कोटि का सृजनकार नहीं हूँ और या फिर मैं वक्ता हूँ और मैं एक उच्च कोटि का वक्ता नहीं हूँ और लेकिन मैं वक्ता हूँ और मेरे लाख मेरे दो चार लाख फॉलोअर हैं अगर मैं भीतर से पहचान संकट से त्रस्त हूँ तो मैं अक्सर चाहूँगा कि मुझे लोग और भी फॉलो करें मुझे लोग और भी लाइक करें मेरी चीज़ों को शेयर करें मुझे इससे कोई लेना देना नहीं कि जो मेरी बातें हैं क्या मैं उन बातों को अपने व्यवहार में ढाल रहा हूँ यानी जो मेरा उच्चारण है क्या मैं अपने आचरण में ला रहा हूँ मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर बढ़ाऊँ सब्सक्राइबर बढ़ाऊँ अर्निंग करूँ कॉन्टेंट क्रिएट करूँ और पैसा कमाऊँ मुझे ना पर्यावरण से कुछ लेना देना है मुझे ना क्लाइमेट चेंज से कुछ लेना देना है मुझे ना मानवीय मूल्यों से कुछ लेना देना है क्यों क्योंकि मैं पहचान संकट से त्रस्त हूँ मैं कामी हूँ मैं सेंशुअल हूँ मैं प्रूरियंट हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कामनाओं की तृप्ति में लगा हूँ और वह तृप्ति कभी नहीं होती है वह तृप्ति उसकी कभी भी पूरी नहीं होती क्योंकि जो कमी होती हैं वह बाहर से कभी पूरी नहीं होती हैं तो क्या होता है मैं पहचान संकट की ओर चला जाता हूँ और मैं क्या बन जाता हूँ मैं कामी बन जाता हूँ कामुक बन जाता हूँ मैं सेंशुअल बन जाता हूँ मैं प्रूरिएंट बन जाता हूँ अब देख लीजिए आप याद रखें कि मैं अभी जो बिगनर हमारे युवा साथी थे जो कम्युनिकेशन स्किल्स सीख रहे हैं मैं उनको बता चुका हूं कि प्रूरियंट का मतलब क्या होता है और मैंने उनको ये भी बता दिया कि आपको प्रूरियंट नहीं बनना है प्रूरियंट का मतलब है कि आपको अडल्ट कंटेंट्स या फिर आपको पॉर्न uh, मूवीज़ या पॉर्न स्टफ वेबसाइट पे या फिर सोशल मीडिया पे नहीं देखना है क्योंकि दिस इज़ नॉट कंड्यूसिव टू योर मेंटल वेलबीइंग यह आपकी मानसिक स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल सही नहीं है इतना सा तो मैं उन बच्चों को बता चुका हूँ उन यानी उन बिगिनर्स को मैं बता चुका हूँ लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ कंसेप्चुअल कम्युनिकेशन की ये जो इस साइड जो युवा साथी बैठे हैं जो कि इंटरमीडिएट हैं जो कि इंटरमीडिएट लर्नर हैं जो कि एडवांस्ड लर्नर है तो मैं उनको बता रहा हूँ कि क्या हो जाता है वह कामनाओं से त्रस्त हो जाता है उसे इस बात का भी ध्यान नहीं रहता है कि वह उस छवि को जी रहा है जिस छवि को उसके फॉलोअर ने बनाया है फैन फॉलोइंग ने बनाया है सब्सक्राइबर ने बनाया है प्रशंसकों ने बनाया है यानी वह अपनी जिंदगी कम जीता है उनके द्वारा जो छवि निर्मित की गई है उसके अनुसार जीवन ज़्यादा जीता है तो यह चीज़ क्या थी मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ मैं बहुत कुछ जो ये प्रूरियंट का मतलब है मैं कंसेप्चुअल लेवल पे घंटों बोल सकता हूँ कि कंसेप्चुअल लेवल आगे से आगे ले जा सकता हूँ उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूँ कि अब आप कहेंगे कि सर क्या कामनाएं बुरी हैं काम बुरा है फिर तो हम कामनाएं भी छोड़ दें फिर तो हम काम भी छोड़ दें सेंशुअल थिंग्स भी छोड़ दें पर मैं ऐसा कहूँगा ऐसा नहीं है जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं काम का मतलब होता है मूल्य ऐसा मूल्य जो सृष्टि संचालन के लिए ज़रूरी है तभी तो हमारा गीता ज्ञान भी कहता है कि बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म अवरुद्धो भूतेशु कामो अस्मि भर्तृष्व अर्थात जो काम धर्म के अनुसार है जो कामनाएं मर्यादा के अनुसार है वह परम शक्ति का ही रूप होती हैं वो ईश्वर का ही रूप होती हैं वह परम शक्ति परम ताकत का ही रूप होती हैं लेकिन जब वो कामनाएं सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हो सेंशुअल हो अपने इंद्रियों सुख की तृप्ति के लिए हो अपने संस्था के लिए हो समाज के लिए ना हो तो वह कामनाएं प्रूरियंट ही कहलाती है यानी तब हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति प्रूरियंट है उसकी संस्था भी प्रूरियंट है आज अगर देखा जाए तो हम अधिकतर जो वक्ता है मोटिवेशन स्पीकर है हम पहचान संकट से ग्रस्त हैं वो इसलिए कि हम यह नहीं देख पा रहे हैं कि जो हम बोल रहे हैं हम उच्चारण कर रहे हैं हम यह नहीं देख पा रहे हैं जो उच्चारण है क्या वह आचरण में भी आ रहा है अगर हम देखें तो अधिकतर आप पाएंगे कि अधिकतर जो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं हमारा उच्चारण है आचरण नहीं है अगर आचरण होता तो जो हमारे क्लाइमेट चेंज हुआ है हमारी पर्यावरण मूल्यों का जो क्षरण हुआ है मानवीय मूल्यों का जो क्षरण हुआ है वह कभी ना होता लेकिन हमें होना तो हमें ऑप्टिमिस्टिक पड़ेगा आशावाद रहना पड़ेगा लेकिन हमारी आशावादिता स्वप्नदर्शी नहीं होनी चाहिए हवा वाली बातें नहीं होनी चाहिए अर्थात जो धर्म के अनुसार काम होता है वह है ईश्वर का ही नाम होता है ईश्वर का ही रूप होता है ईश्वर का ही अंश होता है वह शक्ति का ही पर्याय होता है वह शक्ति होती है वह अच्छाई होती हैं उसमें बुराई नहीं होती हैं तो अब आप देख लीजिए कि मैं एक और तो प्रूरियंट को बिल्कुल चंद शब्दों में समझा के हटाऊँ उन बच्चों के लिए उन युवा साथियों के लिए उन लर्नर के लिए जो प्रूरियंट अर्थ को समझना चाहते हैं जो कि बिगिनर हैं कम्युनिकेशन स्किल में दूसरी ओर मैं प्रूरियंट को कितने शब्दों में जोड़ के रख रहा हूँ यानी आप ये कह सकते हैं कि प्रूरियंट को एक्सप्लेन करने के लिए अंग्रेजी में शब्दों की जब कमी पड़ रही थी तो मैं हिंदी में स्विच ओवर हो गया मैंने फिर प्रूरियंट को कामुक कहा कामी कहा कमी कहा पहचान संकट से जोड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस से जोड़ा और फिर मैं अध्यात्म की ओर ले गया तो आप देख सकते हैं कि मैं एक शब्द पर कंसेप्चुअल कम्युनिकेशन सिखाने के लिए आपसे कितनी लंबी चौड़ी बात करने जा रहा हूं लेकिन मैं चिंता मत करो मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा इन्हीं शब्दों के साथ कि जब भी आप कम्युनिकेशन स्किल सीखने आ रहे हैं तो दो तीन चीज़ों का ध्यान रखें कम्युनिकेशन स्किल सीखने के लिए सबसे पहले जिस भाषा में आपने कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है उस भाषा में उस भाषा का स्थाई ज्ञान आपको होना चाहिए अर्थात बेयर मिनिमम रूल्स ऑफ ग्रामर आपको आने चाहिए आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ लैंग्वेज आनी चाहिए आपको शब्दों का ज्ञान होना चाहिए आपको वाक्य बनाने आने चाहिए और सबसे ज़्यादा आप में आत्मविश्वास होना चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए सेल्फ कॉन्शियस फीलिंग नहीं होनी चाहिए और जब आप धीरे धीरे यानी जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन से कंसेप्चुअल कम्युनिकेशन की ओर जाएंगे तो वहाँ पर आपकी सेवा हम किस तरह से करेंगे हम उस स्तर पर भी आपको सेंटेंस बनाना भी सिखाएंगे शब्दों का ज्ञान भी बताएंगे और साथ ही साथ आपको थॉट्स वैल्यूज प्रिंसिपल्स रूल्स आइडियाज यानी कॉन्सेप्ट की भी बात करेंगे और वह कॉन्सेप्ट विज्ञान से भी हो सकते साइंस से भी हो सकते रिलीजन से भी हो सकते हिस्ट्री से भी हो सकते केमिस्ट्री से भी हो सकते वह कन्सेप्ट कहीं से भी हो सकते हैं तो याद रखना है कि प्रूडियंट क्या होता है और जो प्रूडिश है प्रूडिश तो मैंने आपको कहा कि प्रूडिश का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है शॉक्ड हो जाता है इन चीज़ों को देख यानी प्रूडियंट का वो काइंड kind ऑफ of सा हो गया एक प्रूरएंट इस जा रहा है तो प्रूडिश इस ओर जा रहा है इसीलिए हमें ना तो प्रूडिश बनना है ना प्रूरियंट बनना है हमें सिर्फ पर्सन बनना है सो डोंट बी आइदर प्रूडिश और प्रूरियंट बी ए पर्सन यानी प्रूडिश भी मत बनो प्रूडियंट भी मत बनो पर्सन बनो इंसान बनो और इंसान वही हैं जिसमें भोग के साथ बोध भी होता है यानी काम मर्यादा के अनुसार होता है यानी कामनाएं भी मर्यादा के अनुसार होती है प्रिंसिपल के अनुसार होती है इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ जय हिंद जय भारत जय विश्व